हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे पाकिस्तान की हिलेरियस जुगाड़। जो जुगाड़ करी जाती है, मतलब अलग ही टाइप की जुगाड़ होती है इंडिया पाकिस्तान में, तो क्योंकि ये दो मुल्क ऐसे हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा जुगाड़ करते होंगे, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। चलो इस वीडियो को देखते हैं पाकिस्तान में किस किस टाइप की जुगाड़ें होती हैं, इससे रिलेटेड हमने एक आध वीडियो और बना रखा है। चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, बाकी बात हम देखते हुए करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद करेंगे। तो लाइक करते जाना, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। ओके, दिस वीडियो फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोच है? मेरी मर्जी से जीऊंगा, लोगों की मर्जी से नहीं। अरे 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 अरे, इतनी गंदी जगह पर ऐसी लेट गया कपड़े पहन के। अच्छा दोस्तों, जुगाड़ में पाकिस्तानियों का कोई सानी नहीं। गोरे हैरान हैं कि जिस चीज को बनाने में हम लाखों खर्च कर देते हैं, उसी काम को ये लोग बहुत सस्ते में कर देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जुगाड़ों की, जिन्हें आप अक्सर लाइफ हैक भी कहते हैं। सबसे पहले दिखाते हैं आपको कि गोरे आखिर क्या कहते हैं पाकिस्तानियों के बारे में। माइंडसेट कॉन्सेप्ट, इट्स कॉल्ड जुगाड़ एंड इट्स प्रीटी यूनिक टू पाकिस्तान। बट इट्स व्हाई आई लव द जुगाड़ मेंटालिटी इज बिकॉज़ इट मेक्स एवरीथिंग पॉसिबल एंड रियली नथिंग इज इम्पॉसिबल इन पाकिस्तान। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, अगर आपको गर्मी लग रही है तो कोई मसला नहीं, आप ट्रैक्टर की ट्राली में पानी भर के उसे स्विमिंग पूल बना सकते हैं। दोस्तों कहते हैं कि जरूरत इजाद की माँ है। इन भाई साहब को बैल ले जाने के लिए गाड़ी नहीं मिली, तो इन्होंने बाइक पे ही जुगाड़ चला लिया। ये भाई साहब बड़े ही नफीस तरीके से इस बैल को बाइक पर बिठाकर बड़ी ही कंफर्टेबल राइड कर रहे हैं। इस शहजादे ने इस बैल को पता नहीं कौन सी मुतमिन करने वाली गोली दी यार, कि बैल बड़े ही मुतमिन तरीके से बैठा है। बछड़ा है वैसे, छोटा सा, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी जुगाड़ है। भाईजान 70 मोटरसाइकिल पे गाय का बछड़ा जो कि बहुत बड़ा है, उसको लोड में सीसी की लेके जा रहे हैं, और कितना अच्छा वो बैठा हुआ है। जहाँ कोरोना की वबा ने दुनिया को परेशान कर रखा था, लोगों का हाल बेहाल हो चुका था, लेकिन जरा इस शहजादे को देखें, जिसने कोरोना की स्प्रे का अच्छा जुगाड़ लगाया। ये ऊंट की पूंछ से स्प्रे कर रहा है। अरे अच्छा, उसकी पूंछ में वो बांध दिया है पाइप, वो जिधर घुमा रहा है उधर। आप ये बखूबी जानते होंगे कि कंस्ट्रक्शन के काम में काफी हैवी मशीनरी का इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ लोग इसे भी बड़े सस्ते में निपटा देते हैं, जिसमें वक्त और पैसे दोनों की बचत हो जाती है। नो 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 नो, ईंटें पहुंचाना। दोस्तों, पाकिस्तानी सड़कों पर ज्यादातर आपको गड्ढे ही नजर आते हैं, जो रेडी वालों को काफी परेशान करते हैं, और बारिश के पानी को क्रॉस करने का ये तरीका शायद ही आपने जिंदगी में कभी देखा हो। अरे 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 अरे, ये गोलगप्पे वाला है भाई बंदा, ये सही है। इजाद वो जिसे देखकर दुश्मन भी आपकी तारीफ करे। जरा इन पाकिस्तानियों को देखें, जिन्होंने रिक्शे का जहाज बना दिया। अब ऐसे साइंटिस्ट आपको हर गली मोहल्ले में मिलेंगे। रिक्शे का इनका बस चले तो ये भैंसू को भी पर लगा कर उड़ा दें। ये तो नकली लग रहा है यार, ऐसे कैसे उड़ जाएगा? सच में उड़ रहा है क्या? अक्सर आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी शादियों में बहुत ज्यादा पैसा बहाया जाता है, कभी सिद्दीक के नाम पर वेल दी जाती है तो कभी शफीक के। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो पैसे शादियों में उड़ाए जाते हैं, उनको पकड़ा कैसे जाए? तो टेंशन की कोई बात नहीं, पाकिस्तानियों ने इसका भी तोड़ ढूंढ लिया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से शादी के उड़ाए गए पैसों को लोग कलेक्ट कर रहे हैं। पैसे उड़ाए जा रहे हैं। अब जो लोग किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, वो जानते हैं कि खेतों में किस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, और ये टेक्नोलॉजी काफी महंगी भी होती है। लेकिन जरा इन भाई साहब को देखें, जिन्होंने इतनी महंगी टेक्नोलॉजी को बड़े ही सस्ते अंदाज में निपटा दिया। <तुम्हारा क्या? laughs>
दोस्तों, तेजी से बढ़ते हुए वक्त में लोग जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें ड्रोन सबसे ऊपर है। लोग अपने यादगार मोमेंट्स को कैप्चर करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसी को क्या पता था कि पाकिस्तान में लोग ड्रोन का इस्तेमाल देसी अंदाज में करेंगे। जरा इन भाई साहब को देखें, जो रेडी पर अपने मोमेंट्स को कैप्चर कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो में बढ़ने से पहले क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप किस गली, किस नुक्कड़ और किस शहर से हमें देख रहे हैं? जरा कमेंट में बता दें। अब पाकिस्तानी लोग बाइक का इस्तेमाल किस वक्त, किस जगह पर कर सकते हैं, कोई नहीं कह सकता, क्योंकि वो बाइक जो हमारे दादा परदादा के दौर में भी पुराने थे और धुआं छोड़ रहे थे, वो आज 2021 में भी बड़े शान से चल रहे हैं। यमहा की तो नस्लें भी याद रखेंगी कि किस कौम के किन दूध वालों से पाला पड़ गया, जान छोड़ते ही नहीं। अब अगर आपके बाइक पर जगह ना हो और बैग हो बहुत भारी, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, देसी जुगाड़ कब काम आएगा। अभी लोगों का बस चलता तो इस बैग पर बच्चे को भी बिठा लेते। सही है यार, कहीं तो पहुंचना है। दोस्तों, कहते हैं कि जिन लोगों में ताकत होती है उनमें अकल नहीं होती, और जिनमें अकल होती है उनके बाजू में ताकत नहीं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि भाई साहब किस तरह से इतनी हैवी बाइक को उठाकर एक पगडंडी पर चल रहे हैं, लेकिन मजाल है कि बैलेंस जरा भी बिगड़े। यार कुछ तो वजन होगा इसके अंदर। नो नो नो, वजन इतना उठा के कैसे चल सकता है बंदा। क्या बात है यार, कमाल है। इतना वेट बाइक को उठाकर कैसे यार? यार ऐसा थोड़ी है। हम आम कामों में जेसीबी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या हो कि आपके पास इतने पैसे ही नहीं कि आप जेसीबी खरीद सकें? तो इसका हल भी पाकिस्तानी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। इन लोगों ने ट्रैक्टर के साथ डंडा बांधकर जेसीबी का काम ले लिया, इसीलिए तो कहते हैं कि अकल बाजारों में नहीं मिलती। नो 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 नो, डंडे ने सामान भरा और रख दिया उसमें, गाड़ी में लोड कर रहे हैं। कमाल की जुगाड़ है यार, सच में यार बहुत। अब पाकिस्तानी ट्रैक्टर उस जगह भी घुस जाते हैं जहां पर सवाल ही पैदा नहीं होता। यहां कमाल ट्रैक्टर का नहीं बल्कि ट्रैक्टर चलाने वाले का है, जो इतने गहरे पानी में भी अपने ट्रैक्टर को झोंक देता है और बड़ी आसानी के साथ इतने ज्यादा वजन को खींचकर बाहर ले आता है। वो बंद भी नहीं हुआ भाई उसका, बीच में ले गया पूरा ले गया। पाकिस्तान में जब लोगों को गर्मी लगती है तो ना तो वो बिजली खर्च करते हैं और ना ही एसी का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग बड़े सस्ते में गर्मी का तोड़ ढूंढ लेते हैं। क्या? या तो ये 100 रुपए की टेंट करवा लेंगे या फिर कोई इस तरह का जुगाड़ कर लेंगे। हाँ। जो भी हो, इनका ये जुगाड़ उस एसी से बेहतर है जिस एसी के नीचे नींद ही नहीं आती। अरे वाह, ये सही है। नो नो नो, अरे वो गधा जो है वो घुमा रहा है उसको। दोस्तों, अगर आपके पास सिलाई मशीन है और वो काम नहीं कर रही, तो जरा इन टैलेंटेड पाकिस्तानियों से पूछिए कि कैसे इसको काम में लाया जाता है। इन्होंने सिलाई मशीन के साथ साइकिल बांधकर एक ऐसा बेहतरीन जुगाड़ लगाया कि जिसको देखकर कोई भी हैरान रह जाए। जबरदस्त जबरदस्त, बच्चा चला रहा है वहां पे, उधर सिलाई चल रही है। रोक ले, पीछे दबात आती है, रोक लो, जान दे। जुगाड़ों की इस दुनिया में एक और जुगाड़ आपके पेशे खिदमत है। रेडी को बांधकर पानी को इस तरह से बाहर निकाला जा रहा है कि बड़ी आसानी के साथ ये पानी जमीन को सैराब कर रहा है। अब ट्यूबवेल और उसमें पड़ने वाले फ्यूल की कोई फिक्र नहीं, ये देसी तरीका आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रमजान के बबरकत महीने में आपने एक अलार्म की आवाज सुनी होगी जो मस्जिद में बजाया जाता है, जिसे सुनकर हम रोजा खोलते भी हैं और बंद भी करते हैं। जरा इस वीडियो को एंड तक देखें कि ये मौलवी साहब कैसे उस अलार्म का जुगाड़ लगा रहे हैं। आवाज निकालेंगे। ये वो सायरन बजा रहे हैं जिससे अजान। दोस्तों, ऐसे ही बहुत से जुगाड़ हम अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसका अगला पार्ट बनाया जाए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बनाओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मजा आ गया इसको देख के। क्या वीडियो था, कमाल का वीडियो था यार, मजा आ गया। और कितने ज़बरदस्त, कुछ तो बहुत काम की थी यार बाइक को उठाकर ले जाना। मुझे उस पर शौक मतलब यकीन नहीं हो रहा था, और वो जो हेलीकॉप्टर की तरह रिक्शा उड़ रहा था यार, मुझे अभी तक उस पर यकीन नहीं आ रहा, क्या सच में वो था या फिर वो एडिटेड वीडियो था कुछ।
यार मुझे नकली लग भी नहीं रहा था और ऐसा लग रहा था कि यार मैं इस पर यकीन ना करूँ। तो कमेंट सेक्शन में बताना यार क्या सच में ऐसा हुआ है। बाकी कुछ जुगाड़े इसमें बहुत काम की थी, जैसे कि वो ईंट को ऊपर तक पहुंचाना एंड सामान लोड करने वाली जो क्रेन होती है उसको उठाकर वो उसके पीछे ट्रैक्टर के पीछे डंडा बांधकर उसको उससे सामान लोड करना, तो कमाल की जुगाड़े थी यार। एंड बाइक से सामान को ले जाना, बैग खींच कर ले जाना, कुछ तो यार जैसे वो गधे से पंखा चलवा रहे थे, गर्मी में टकले हो जाओ तो गर्मी ख़त्म हो जाती है। तो ये सारी जुगाड़ें थी, कुछ बहुत ही कमाल की थी, यकीन ही नहीं हो रहा था भाई, यकीन ही नहीं हो रहा कुछ पर। तो बाकी आप कंफर्म ज़रूर करना नीचे कि सच में यार वो जुगाड़ें ऐसी की हुई हैं रियल लाइफ में। तो बहुत सारी ऐसी जुगाड़ें हैं जो हो सकती हैं दुनिया में, लेकिन कुछ पर यकीन नहीं होता भाई। पाकिस्तानी ऐसी जुगाड़ कर लेते हैं, कमाल की जुगाड़ कर लेते हैं जो कि उनके खुद के फ़ायदे की होती है, नुकसान नहीं होता। जिससे फ़नी भी जुगाड़ें थी इसके अंदर, जिसका हमने पूरा मज़ा लिया। आई होप कि आपने भी लिया होगा। कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सी जुगाड़ आपको अच्छी लगी है। फिर इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।